अस्सलाम वालेकुम, मुझे बहुत अरसे से हाई क्वालिटी फ़िश ऑयल सॉफ्ट जेल्स की तलाश है। इंटरनेशनल ब्रांड्स की सॉफ्ट जेल्स इस्तेमाल करने से मैं गुरेज करती हूँ, क्योंकि आई एम नॉट श्योर अबाउट द सोर्स ऑफ जेलेटिन। आज मैं आपको एक बहुत ही अमेजिंग प्रोडक्ट के बारे में बताने जा रही हूँ। न्यूट्रीफैक्टर ने रिसेंटली इंट्रोड्यूस कराया है अपनी सॉफ्ट जेल्स की रेंज, और मेरा जहन बिल्कुल रिलैक्स हो गया है, बिकॉज एक तो हाई क्वालिटी फ़िश ऑयल सॉफ्ट जेल्स हैं और उसके साथ साथ हलाल हैं। सो नो टेंशन। मैं बात कर रही हूँ न्यूट्रीफैक्टर की नॉर्मेगा की। अब आप सोच रहे होंगे कि ये नॉर्मेगा है क्या। देखिए, फ़िश ऑयल हमारे सिस्टम के लिए एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। इसमें इतनी अमेजिंग चीज़ें हैं कि जब आप इसको यूज़ करते हैं तो आपकी हार्ट यानी कि दिल की हेल्थ, आपके ब्रेन की हेल्थ और आपकी स्किन जो है वो बहुत ही अमेजिंग हो जाती है। अगर आप रिसर्च पढ़ें तो डिप्रेशन के जो लोग शिकार होते हैं उनके लिए भी फ़िश ऑयल का इस्तेमाल रिकमेंडेड है। हमें फ़िश ऑयल की इसलिए ज़रूरत है क्योंकि फ़िश ऑयल हमें प्रोवाइड करता है DHA, EPA एंड ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। ये भी बहुत ही एक अमेजिंग चीज़ है आपकी जनरल हेल्थ के लिए। अच्छा, फ़िश ऑयल के इस्तेमाल से एक बहुत ही जो मैं कहूँगी ऑसम चीज़ है वो ये होती है कि आपके जिस्म में जो सोजिश है या जिसको हम इन्फ्लेमेशन कहते हैं वो भी बहुत कम हो जाती है। उसके भी ऑब्वियसली बहुत से बेनिफिट्स हैं, तो जिसको जॉइंट पेन्स हैं और स्वेलिंग की प्रॉब्लम है वो भी इसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। वेट लॉस के लिए भी इसको रेकमेंड किया जाता है। डॉक्टर से अगर आप बात करें या न्यूट्रिशनिस्ट से बात करें तो वो हमेशा आपको यही गाइड करेंगे कि आपने 2 से 3 दफ़ा हफ्ते में फ़िश ऑयल का या फ़िश का इस्तेमाल करना है। अब फैटी फ़िश जो है उसका पूरा साल इस्तेमाल करना ज़रा मुश्किल हो जाता है। बहुत कम लोग हैं जो एटलीस्ट सब कॉन्टिनेंट में डेली या एवरी अदर डे फ़िश का इस्तेमाल करते हैं, तो जो आपकी रिक्वायरमेंट होती है फ़िश ऑयल की वो पूरी नहीं होती। सो उसका बहुत ही अमेजिंग ऑल्टरनेटिव या जिसको मैं सप्लीमेंट कहती हूँ वो है न्यूट्रीफैक्टर का नॉर्मेगा। सो यू शुड डेफिनेटली ट्राई इट। और इसको लेने का बड़ा ही आसान तरीका है, नाश्ते के बाद या लंच के बाद पानी के साथ इसको कंज्यूम करें। बेहतरीन अब्सॉर्प्शन के लिए ब्रेकफास्ट के बाद यानी कि नाश्ते के बाद हम रेकमेंड करते हैं, एक आपने सॉफ्ट जेल ली और उसको पानी के साथ पी लिया एंड यू आर गुड टू गो। अच्छा, बहुत से लोग फ़िश ऑयल लेते हुए कतराते हैं क्योंकि वो कहते हैं कि फ़िश ऑयल का जो टेस्ट है, मतलब एक आफ्टर टेस्ट आ जाता है। आपने जेल तो वो जो सॉफ्ट जेल है वो कंज्यूम कर ली, उसके बाद अजीब से वो जो एक एसिड रिफ्लक्स होता है, हार्ट बर्न होता है और एक फ़िश टाइप का टेस्ट आपके मुंह में आता है, तो उसको अवॉइड आप कर सकते हैं इनको यूज़ करके। बिकॉज वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग थिंग्स अबाउट दिस प्रोडक्ट इज़ ये आपको अजीब सा फिशी टेस्ट नहीं देता। सो स्टार्ट यूजिंग अल्ट्रा प्योर आइसलैंडिक फिश ऑयल सॉफ्ट जेल्स फॉर योर डेली डोज ऑफ न्यूट्रिशन। आई रिकमेंड नॉर्मेगा बाय न्यूट्रीफैक्टर।